उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तरकाशी में 2 दिन के दौरे पर आए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में जनपद में चल रहे विकास कार्यों एवं पर्यटनों पर बात की। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में जिस प्रकार महिलाएं और स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं वह काफ़ी तारीफ के काबिल हैं और जो प्रोडक्ट वह बना रहे हैं उसके लिए सिर्फ मार्केटिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए वह अपने स्तर से काम भी करेंगे। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। सर क्या रहेगा? सबसे पहले मेरा आप सबको जय हिंद। मैं उत्तरकाशी में दो दिन के दौरे पर आया हूँ और मेरा मकसद था कि उत्तरकाशी को मैं बहुत बारीकी से देखूँ, इसलिए मैंने जो अहदेदार हैं DM साहब, SSP, मेडिकल जो CMO हैं, फॉरेस्ट के हैं, उनसे बहुत ही विस्तार में ब्रीफिंग ली। मैं उत्तरकाशी को बहुत बारीकी से जानना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि उत्तरकाशी एक ऐसा जगह है जिसके ऊपर में प्रभु का, प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान और एक ब्लेसिंग है। आज जब आकर मैंने डिटेल में ब्रीफिंग लिया, इस चीज़ का ज्ञान किया, तो मेरे को खुद ही एक रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पर प्रभु ने कितना बड़ा दान दिया, कितना ब्लेसिंग दिया है। इस जगह के अंदर में स्पिरिचुअल रिलीजियस टूरिज्म, यहाँ पर जो एडवेंचर का टूरिज्म है और इसके अलावा जो प्रकृति की देन है। आज मुझको एग्रीकल्चर ऑफिसर ने ये बताया कि यहाँ पर जो लेवेंडर है, जो रोजमेरी है, इसके अलावा और काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं जो बहुत तादाद में हो सकती हैं। उत्तरकाशी में सबसे बड़ी बात यह है, एक तो शिव जी का वरदान है, उसके अलावा यहाँ पर टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पर 550 होमस्टे हैं जो खुद में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो एक जो होमस्टे है, जो एक मॉडल है, सैंपल है कि किस प्रकार से हम टूरिस्ट की सेवा कर सकते हैं, उसको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आकर सबसे खुशी मेरे को तब हुई जब मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो ग्रुप सेंटर्स हैं जो अपना लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका जो उत्पादक है, जो उनके चीज़ें बनाई हैं, उनको देखकर तो एक अलग ही स्तर की खुशी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रांति है, जो लोकल प्रोड्यूस में, जो मशरूम के इलाके में, हनी के इलाके में, हल्दी के इलाके के अंदर में जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, वो पहली तो अलग ही स्टैंडर्ड का है और ऑलरेडी एक क्रांति शुरू हो गई जिसके अंदर में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने तो सदा यही बिलीव किया है कि उत्तराखंड के परिवार के अंदर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं वो महिला हैं, क्योंकि उनकी जो कैपेबिलिटी, क्षमता है, उनका कार्यशैली जो है वो अलग किस्म का है। और एक और चीज़ मुझे बहुत प्रभावित की कि यहाँ के जितने भी हैं, आज पहली बार जीवन में देखा है कि मीडिया के साथ में जो इंटरेक्शन मेरा हुआ है उसके अंदर में इतने पॉजिटिव सजेशन आए हैं। जिस परिवार के अंदर में ऐसी पॉजिटिविटी होती है।